अभी यहाँ पे कीर्तन हो चुका है और आरती भी होगी है, सब लोग यहाँ पे जूस पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं। बाकी कैसे रहा कीर्तन? मजा आ गया दोस्तों। और आज मेन बात तो यह है कि बारिश नहीं आई, कल तो कैसे हुआ, पर भगवान की कृपा बनी हुई है, ऐसे कृपा बनाए रखे, बस यही चाहते हैं। आप लोगों की कृपा भी बहुत बनी है हम पे, उसकी नहीं है खाली वो नरे। नहीं नहीं आप वो नरेश क्या था, वो निकल चौधरी चौधरी नरेश बेटा तो मेरा कर दोस्तों, अपनी आंटी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों जिन्होंने दो दिन भी खा लिए, दो बार उस दिन खाई, फिर भी मेरे को बोला कंजूस चाची, दो बार खाई, दो बार खाया तभी मेरे को क्या आदत है, यही हम तो दुकान पर बार चाची का नाम फेमस हो गया कंजूस चाची वाला। हम तो कंजूस चाची बोलेंगे सही में, जब तक पूरा नमकीन का पैकेट नहीं मिला, जब तक नमकीन का नहीं मिला वो 40 वाला। दो दिन खाया फिर भी बोला कि कंजूस चाची, दिन कब खाया किस पे लगा था, हमने बोला वहां का मेंढा आया था ना किसी का, मेरे को हंसी आ रही थी इसलिए मैं बोल नहीं पाई, इसलिए मैं अभी बोल रही हूं। दोस्तों मैं रखा है कि मैं ऐसे बोलूंगी तो वहां ना कर लूंगा, इनकी ऐसी हंसी मजाक चलती रहती है। और साथ साथ में देखो मौसम भी खराब होने लग गया है, लेकिन अभी हमारा काम निपट चुका है, कीर्तन हो गया है, अब बारिश आएगी भी तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमारी सरिता पुपू भी है। हेलो पुपू, कैसे हो? कीर्तन एक दो हुए तब आई ये लास्ट में। पुपू का कभी टाइम ही नहीं होता है, हमेशा पुपू को देरी होती रहती है। घर में दाल रखनी है वही तो। यहाँ पे हमारी चाची लोग भी हैं, दादी लोग सब। हेलो हेलो, अभी नाचना चालू करेंगे। तब ये हमारी इंदिरा गांधी दादी, सब जानते हैं दादी को। अरे हमको आता नहीं नाचना, पर हमारी बहू लोगों को। हमारा असली डांसर तो अब आया भाई, उम्मीद है एमा, असली डांसर तो हमारा भाई। मेरे को देख बंद कर दिया गोली पिंक ज्यादा ना जाना, हम खोलू ना गोली। चाची ने भी कीर्तन का बैग रख दिया दोस्तों, ये देखो मैंने झोला रख दिया अपना, ये हो नहीं सकता कभी झोला मेरे अलग जाए, वही तो झोला मेरे साथ में है तो सुना। ये देखो चाची सबका ख्याल रख रहे हैं, सबके मुंह में केले दे रही है खाने। मैंने कहा अपना भी का खा रहे इनको खा ले दोस्तों, इतनी जिद कर रहे हैं चाय पी के जाओ, ये झोला धो दिया। क्यों नहीं पी रहे भाई चाय? इसका नियार भी रहा ना, इसका भी रहते रहो तो नहीं पी। बारिश आने के लिए हो गया ना, देखो सामने से काले बादल आ गए। चलो ठीक है तब रे, मिलते हैं तब।
ये देखो जैसे कीर्तन समाप्त हुआ यहाँ पे देखो आंधी तूफान आने लग गया है, बारिश आने के लिए हो गया है। आपके यहाँ भी हो रहा था ऐसा? हाँ, आपके तुनेटा में तुनेटा भी ऐसा ही हो रहा था। करे पर करे क्या, आज तो थोड़ा देर में आया। हाँ, कल तो दिल्ली में आ गया था। वही तो, कल से हम इतनी प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश ना आए। यही बोल रही है भगवान, हमारा कीर्तन भी समापन हो तब बारिश आए, और कल परसों भी ऐसा ही होना चाहिए। और चाची लोग रुकी गए आखिरकार चाय पीने के लिए। बारिश आए चाहे कुछ हो, अब देखी जाएगी। हाँ, चाची भी लगी हुई है धुनसा फुर्सी पे। वही तो, यहाँ पे हमारे लिए गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है। दीजिए मैडम, इधर दीजिए। थैंक यू। चाय लो भाई, मिठाई खाओ एक एक, उसके बाद जाओ। एक एक बहुत दूधी ना, दूधी नहीं खाना, हम एक गाना खाए। ले मजाक करो, दूधी भी गाना बोलो और खा लो यार। छाना छाना कंफ्यूजन सनी, एक कोल गाने, एक मेरे को भी दो यार निकालो। अब दीदी की पसंद है मेरी पसंद, लो। हाँ हाँ, हेलो, तुम ध्यान से ना, तुम भी ध्यान से। आप भी ध्यान और आप भी ध्यान, आप दो दो खा सकते हो। अब बाकी जो एक घर है वो एक एक खाएंगे। जितनी बारिश आ रही है ना उतना मैंने कढ़ाई में खाया भी नहीं था। हैं सब बोल रहे हैं कढ़ाई में खाया, इतना भी नहीं खाया था जितनी बारिश आ रही है। कढ़ाई में नहीं, वो कड़छी। अच्छा, चूल्हे की वो खाई होगी बूढ़ी। अच्छा, ऐसा होता है जो चूल्हे पे रखते हैं उसको खाते हैं, वो भी खा रखा है मैंने। वही तो, ये देखो बाप रे, उस क्या आज दुल्हन का वो दिखा लेंगे हम कुर्ता। नहीं दुल्हन, दुल्हन का, अरे नहीं नहीं, इतनी तेज बारिश आ रही है ना, सब लोग भीग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे बैठे हुए जैसे इनको घर से बाहर निकाल दिया होगा। हैं, कमरे भी हैं भाई घर में, भाई अंदर बैठ जा, भीग क्यों रहा बाहर पे। सबके सब देखो, सबके कपड़े भीगे लेकिन बाहर ही बैठना है। यहाँ पे चाचा जी भी बारिश के मजे ले रहे हैं। मैं इनको देख रहा हूँ ये बैठे क्यों हैं। इसलिए चाचा जी बाहर आ गए, जब ये बैठे तो मैं भी बैठता हूँ। इनको चाहिए क्या? अरे श्रीनगर में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ढोला चाहिए। बाप रे, यहाँ देखो क्या गधेरे निकले हुए हैं रस्तों में। बाप रे बाप, इतनी तेज बारिश आ रही है। ये देखो रस्तों के हाल, इतना तेज गधेरा आ गया एक ही बारिश से। बाप रे, हमारे भाई लोग अभी यहाँ पे पंचायत घर से पूरा सामान ला गए हैं, कढ़ाई कुड़ाई, ये देखो परात परात सब आ गए यहाँ पे। बारिश से पूरा अंधेरा हो गया। ए भटिया ना कच्चे नी है गला शबाश शबाश शबाश, बारिश इतनी तेज लगी हुई है। हेलो बोलो बोला, ठीक ठाक है। गधेरे इतने तेज आ रहे हैं ना, जो ये वाला तोला है ना, इन्होंने रास्ते में बगा दिया था गधेरे में। अल्लाह कम मिले था, कम मिलता तोल। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं, और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ आजकल लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मेरे हाथ में देखो इतने सारे चार्जर, फ़ोन, पावर बैंक, ये सब कुछ मैंने चार्ज पे लगाने के लिए दे रखा था सिंगर चाची के घर पे, क्योंकि हमारे साइड की लाइट ना पूरी ख़राब हो रही है, और 2-3 दिन से लगातार ऐसी हो रहा है। तो अभी अनमोल और मैं आ रखे थे ये सारे फ़ोन, चार्जर, पावर बैंक ये सब लेने के लिए, क्योंकि फ़ोन अभी चार्ज हो चुका है, और ममता लोग भी आ गए हैं, बड़े मम्मी बड़े पापा सब लोग आ गए हैं घर पर, तो सबके लिए खाना बन रहा है। तो फ़ोन तो वहाँ था चार्ज पे लगा हुआ, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी चलते हैं घर पे, यहाँ पे बाघ का भी डर है। आंख से लगा तो इसने चुप रहा हुआ, सोच लो ये ऐसे डरा रहा है मुझे, तब से पता है कि आंख से लग रही है, आंखें चमक रही है मतलब। तो अभी चलते हैं घर पे, सबसे आप लोगों को मिलाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पूरा अंधेरा अंधेरा देख लो, चारों तरफ अंधेरा हो रखा है। लेट्स गो। अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूं, और यहां पे देखो डिनर की तैयारी चल रही है। चूल्हे में बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियां, और हमारी माता श्री और चाची यहां पे बना रही हैं। दोस्तों रोटी बना रही हूं मैं, रोटी बनाते बनाते मुझे इतनी नींद आ रही है, क्या बताऊं। क्योंकि दिन में भी नहीं सोई ना आज, दिन में क्या सुबह कितनी जल्दी उठ गई, देर में उठे, अरे इतनी नींद आ रही है, मैं इनको बोल रही हूं जल्दी खाओ सो जाते। चाची यहां से बेल के दे रही है। दीदी रानी बेल रही है, कभी ये कभी श्रीलंका का, कभी श्रीनगर का, श्रीनगर का नक्शा बना रही चाची यहाँ पे। ये देखो चूल्हे में गर्मा गर्म हो गया, श्रीनगर में गर्मी ठंड लग रही है, यहाँ ठंड लग रही है, इसके हाथ सही से नहीं चल रहे। सब्जी का डिपार्टमेंट है दीदी के पास, तो कौन सी सब्जी बन रही है आज? चिकन।
लौकी और आलू और लौकी की सब्जी बन रही है। और अनमोल का डिपार्टमेंट है सामान सुमान इधर उधर लाने का, है ना, दुकान में जाने का। और बता, एक भोजन माता ये है, दो भोजन माता ये है, तीन भोजन माता हो गया आज। बोलो बोलो क्या हो गया। ये रोटी श्रीनगर का नक्शा पड़ गया। इनकी ऐसी हंसी मजाक चल रही है यहाँ पे। रोटी तो मेरी फटी। नहीं दोस्तों, मैंने कहा जब वीडियो बनाने तभी तूने रोटी खराब करने की। रोटी उसी समय फटी। नक्शा ही बदल दिया रोटी का। उससे पहले नहीं फटी, उन्हें समझ नहीं आई। तूने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं ऐसी बनाती नहीं हूं। मैं अच्छी गोल गोल बहुत अच्छी रोटी बनाती। मैं गोल गोल रोटी उसी समय फटी। उस टाइम श्रीनगर का नक्शा बन गया अचानक। तूने मेरी बेइज्जती कर दी ढंग से वीडियो में। पंद्रह टेक हो गया, ये पीछे से बोलने नहीं दे रहे, पता है। तो फाइनली हमारी मुंबई वाली बहन पहुंच चुकी है। इतने महीनों बाद साल हो गया क्या? साल हो गया भाई, एक साल ही हो गया ना। वेलकम करो हमारे गाइस का। हाँ, और इसका भी वेलकम करो। नमस्ते। अच्छे से कल सुबह मिलेंगे। हाँ, ये कह रही कि अभी मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, कल मैं मेकअप मेकअप लगा के। अरे अच्छी नहीं, लाइट नहीं है ये वाला, लाइट अच्छी तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। और बताना, हम दोनों सेम सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ये मेरी जो लाइन वाली बहन है, ये देखो। तो अभी हमारा यहाँ पे ऐसी हंसी मजाक चल रही है, सालों से जो हमने गप्पे सप्पे नहीं मारे, जो मस्ती नहीं कर रही, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। तो आज से आपको बहुत मस्त मस्त ब्लॉग देखने को मिलेंगे, फनीएस्ट ब्लॉग मिलेंगे। हाँ, तो फिलहाल अभी हमारा यहाँ पे डिनर बन रहा है, उसके बाद सब लोग चौक में बैठ के खाना खाएंगे। चलो गाइस, हम निकल चुके हैं बहुत ही खतरनाक रास्ते में। रात के बज रहे हैं अभी 10 और हम दोनों निकले हैं चार्जर लेने। ये मेरा छोटा भाई अनमोल, और मुझे तो आपने पहले व्लॉग में एक दो बार देखा होगा। देखा ये हमारा भाई। तो भाई के घर पहुंच गए हम चार्जर लेने के लिए। तो भाई को थैंक यू वगैरह बोल देंगे। ये कर दिया भाई ने फोन चार्ज। थैंक यू। ये शर्मा आ गया लौंडा ना हमसे। हमने बोला था थैंक यू, शर्मा आ गया, अंदर चले गया। फिर से अब अंधेरे दुनिया जा रहे हैं। हाँ। तो अपडेट देते हैं, पहुंच गए नीचे तो व्लॉग देख लेना, नहीं पहुंचे तो व्लॉग लेट आएगा थोड़ा। अभी यहाँ पे हमारा डिनर रेडी हो चुका है और सब लोग चौक में बैठ के ही लाइन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये देखो, और यहाँ पे है अनमोल, ये हमारे पापा ही, ये है ममता। बहुत टाइम बाद सबके साथ खाना खा के कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा, अभी एक महीने तक यही मजा लेते रहो। हाँ। और यहाँ पे दीदी बैठी हुई है, सबको खाना परोस रही है। यहाँ पे है सुजल ब्रदर, कैसा लग रहा है खाना? कैसा हो रहा खाना? क्रेजी। और यहाँ पे हमारी बुआ जी बैठी हुई है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर तो मैं हूँ, और चीज बताओ। बहुत अच्छा। हाँ, खाना अच्छा हो रहा है? चंद्रहार आपने अंदर छुपा दिया? जलधारा, चंद्रहार आपका जलधारा वाले। और यहाँ पे हमारे चाचा जी भी बैठे हुए हैं, कैसा बना हुआ? नींद आ रही बहुत, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया। चाचा सो गए थे, फिर हमने खाना खाने के लिए उठाया चाचा जी को। तो अभी सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, और बड़े पापा बड़ी मम्मी लोग अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो थक चुके हैं। थोड़ी देर में उनको भी उठाएंगे खाना खाने के लिए। चलो भाई बैठो, आप लोग भी बैठो। ये हमारी माता श्री, क्यों आपकी आपकी किचन बंद हो गई? अब नींद आ रही है, नींद। हाँ, और कुछ बोलो? कुछ नहीं। चलो तब गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।